आपको बता दें कि नगर राजगढ़ एक देवभूमि है। यहाँ पर अच्छे अच्छे संत और गुरु रहे हैं। नगर राजगढ़ धार्मिक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जनमानस धार्मिक कार्यों में दिल खोलकर सहयोग प्रदान करते हैं। आप कह सकते हैं कि नगर राजगढ़ की भूमि धार्मिक भूमि और गुरुओं की भूमि है। इन गुरुओं की वंदना कर हम समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हैं। साथ ही आज नगर राजगढ़ के अति प्रसिद्ध पुलिस थाने वाले साई मंदिर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गुरु पूर्णिमा मनाई गई और साथ ही हर वर्ष होने वाला भंडारा को भी निरस्त कर दिया गया और साईं राम से प्रार्थना की गई कि अगले वर्ष कोरोना का नाश हो और फिर से गुरु पूर्णिमा पर हर्षोल्लास के साथ साईं भंडारा किया जा सके। भारतीय न्यूज के लिए दीपक प्रजापत की रिपोर्ट। साईं राम स्थानीय मंदिर में हर वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर बाबा की महाप्रसादी और महाआरती का आयोजन होता है, साथ ही बड़ा भंडारा भी होता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार साई भक्तों के लिए सिर्फ महाप्रसादी की व्यवस्था की गई है और शाम को महाआरती होगी। हर वर्ष हजारों लोग इस भंडारे में आमंत्रित होते हैं और बाबा से आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन इस वर्तमान कोरोना की महामारी को देखते हुए साई मंडल ने निर्णय लिया कि दिन भर सिर्फ दर्शन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे और महाप्रसादी का वितरण चलता है। हुआ तो अगले साल के भंडारे की साई मित्र मंडल की ओर से मैं नगेंद्र सिंह चावड़ा और मेरे सभी साथीगण यहाँ पर दिन भर सेवा दे रहे हैं। पंडित संजय जी जोशी लगातार 20 वर्षों से बाबा की सेवा कर रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।